तो आप लोग को पता ही होगा रिसेंटली सैमसंग M21 में 1UI 3.0 का अपडेट आया था। एंड जब भी मैं अपने वीडियोस के कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ तो उसमें एक चीज़ हमेशा मेंशन रहता है कमेंट में कि इसके अंदर हीटिंग प्रॉब्लम है, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है, लैगिंग प्रॉब्लम है। तो जब भी M21 में कोई अपडेट आता है तो कोई ना कोई बंदा ये कमेंट करके जरूर जाता है कि इसके अंदर अपडेट करने के बाद हीट होता है, लैग होता है एंड बैटरी ड्रेन काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरे फ़ोन की बैटरी कितनी देर तक चलती है एंड मैंने अपने फ़ोन के लिए क्या क्या सेटिंग्स रखा हूँ आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो पर्सनली मैं बता दूं कि मेरा फोन थोड़ा सा भी हैंग नहीं होता, ना ही मेरे को इसके बैटरी से कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल स्मूथ चलता है। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 6GB RAM एंड 128GB स्टोरेज वाला। इसके अंदर लेटेस्ट 1UI 3.0 इंस्टॉल है जो कि एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है। तो हाँ, एक और बात, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए। काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, ना वीडियो लाइक करते हैं ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो फटाफट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोन के होम स्क्रीन पे आपको एक विडजेट दिखेगा। यहाँ पे स्टोरेज दिखाता है कितनी भरी हुई है, मेमोरी दिखाता है कितनी भरी हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 128GB में से 57.6GB अभी भरी हुई है एंड जो रैम है वो 6GB में से 3.3GB तक भरी हुई है। इससे आप लोग रैम भी क्लियर कर सकते हैं, कितना आपका स्टोरेज ऑक्यूपाइड है वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस विडजेट को सेट करने के लिए क्या करना, आपको सिंपली पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं और अब आपको सेट करके दिखाता हूं। तो यहां पे होल्ड करके रखना है, यहां पे जाना है विडजेट में, डिवाइस केयर पे जैसे ही टैप करेंगे पहले ये आएगा फिर ये आएगा, आपको दूसरा वाला ऐड करना है एंड ऐड, यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो पर्सनली मेरे को विडजेट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें आप लोग स्टोरेज भी देख सकते हैं, रैम भी देख सकते हैं, यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी जरूर सेट कर लीजिएगा, मैं इसको हमेशा प्रेस करते रहता हूँ। दूसरा क्या है कि आप लोग को जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना आपको डिवाइस केयर में, बैटरी एंड डिवाइस केयर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फोन कितनी देर तक चलता है वन सिंगल चार्ज पे। तो बैटरी पे चलते हैं एंड यहाँ पे ग्राफ पे चलते हैं। जो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम है कल का देख सकते हैं 13 hours and 42 minutes एंड आज का स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हैं 7 hours and 27 minutes। तो बेसिकली क्या है कि मैंने आज अपने फोन को सिंगल टाइम चार्ज करा है एंड देख सकते हैं 38% बैटरी अभी रिमेनिंग है। एंड मैंने कौन कौन से ऐप यूज करे हैं, पबजी मोबाइल 1 hour and 46 minutes मतलब नियरली 2 hours खेला है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्रोम, इतने सारे ऐप यूज करता हूं मैं, फिर भी देख सकते हैं अभी तक स्क्रीन ऑन टाइम 7 hours and 27 minutes है एंड जो बैटरी है 38% है, मतलब 3 or 4 hours तक अभी भी यूज कर सकता हूं अपने फोन को बिना चार्ज करे। तो यहां पे देख सकते हैं बैटरी अभी 4 आवर्स तक चल सकती है, 7 आवर्स यूज होगी, 4 आवर्स और चलेगी, तो मतलब टोटल आपको 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। एंड मैं यहां पे सेटिंग क्या-क्या यूज करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं बैकग्राउंड यूसेज लिमिट। तो यहां पे देख सकते हैं मेरे में एक ऑप्शन इनेबल है पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, जो मैं ऐप यूज नहीं करता वो अपने आप फोन स्लीप पे डाल देता हूं उनको एनालाइज करके। यहां पे स्लीपिंग ऐप्स देख सकते हैं 3 है एंड यहां पे डीप स्लीपिंग ऐप्स इतने सारे मैंने डिसेबल वगैरह कर रखा है एंड नेवर स्लीपिंग ऐप यहां से ऐड कर सकते हो, ऐप जो कभी भी मतलब नहीं चाहते कि फोन उसको फोर्स स्टॉप करे। तो बेसिकली इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो काफी हेल्प हो जाएगा, जो ऐप आप लोग अपने फोन में यूज नहीं करते उनको फोन अपने आप ही स्लीप पे डाल देगा, वो कभी अपने आप बैकग्राउंड में ऑन नहीं होंगे, फालतू में आपका फोन लैग नहीं करेगा, रैम ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर सेविंग मोड। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका फोन का सीपीयू होता है वो सबसे ज्यादा पावर यूज करता है एंड मैंने एक ऑप्शन इनेबल कर रखा है लिमिट सीपीयू यूसेज टू 70%। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो आपका फोन का सीपीयू है 100% वर्क नहीं करेगा, 70% वर्क करेगा, तो उससे कम पावर यूज होगी। तो अगर आप लोग गेमिंग करते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, अगर गेमिंग नहीं करते तो इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आपकी फोन की बैटरी काफी ज्यादा सेव होगी एंड आपको दिखेगा भी। यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट ऐप्स एंड होम स्क्रीन। अगर आप लोग बैकग्राउंड में ज्यादा ऐप ओपन करके रखते हैं एंड ये ऑप्शन इनेबल करके रखते हैं तो क्या होगा कि जो आपका फोन है अपने आप ही बैकग्राउंड ऐप्स को डिसेबल कर देगा, ज्यादा रैम वगैरह ऑक्यूपाई ना करे और आपकी फोन की बैटरी बच सके। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मोर बैटरी सेटिंग्स में ये सारे ऑप्शन मैंने इनेबल कर रखे हैं, एडेप्टिव बैटरी, 100 बैटरी परसेंटेज तो परसेंटेज दिखाने के लिए, 100 चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी, ये तीनों तो ऑलरेडी इनेबल होंगे आपके फोन में, तो आपको इनेबल कर लेना एडेप्टिव बैटरी। जो ऐप आप लोग यूज नहीं करते उनको ये स्लिप पे डाल देता है बेसिकली, तो उसकी वजह से आपको बैटरी बचेगी। तो ये सारी सेटिंग्स मैं यूज करता हूँ एंड मेरा फोन है परफेक्ट स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है डेली 11 आवर्स से अबव का ही देता है, जबकि मैं गेमिंग वगैरह हर चीज यूज करता हूँ, गेमिंग इंटरनेट मेरा फोन का हमेशा ऑन रहता है, कभी मैं डेटा ऑफ नहीं करता। एंड यहाँ पे 3 dots पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में मैंने देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन इनेबल कर रखे हैं, ये डिसेबल कर रखा है। बेसिकली ऑटो ऑप्टिमाइज डेली का मतलब क्या है कि जब भी मैं अपने फोन को रखता हूँ ना तो डेली रात को 12 बजे अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब रैम फ्री कर देता है, स्टोरेज फ्री कर देता है, जंक फाइल्स वगैरह डिलीट कर देता है। तो ये सारी चीज फोन अपने आप ही कर देगा अगर आप लोग ये ऑप्शन इनेबल करते हैं।
एंड ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम्स। तो अगर आप लोग अपने फ़ोन को एक बार भी रिस्टार्ट करेंगे ना, तो उससे आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिफर करेगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलती है। तो फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनेबल कर रखा है। तो बेसिकली जब भी मैं अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करता हूँ ना, तब होता है ऑटो रिस्टार्ट। ये नहीं कि मैं ऐप चला रहा हूँ कोई सा और अपने आप ही ऑटो रिस्टार्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑटो रिस्टार्ट तभी वर्क करेगा जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो, फोन यूज़ ना कर रहे हो एंड बैटरी परसेंट 30% से ज़्यादा हो, तभी ऑटो रिस्टार्ट होगा एंड सिम कार्ड लॉक इज ऑफ। इसको आप लोग अपने हिसाब से डेट वगैरह टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। तो टाइम देख सकते हैं 3 AM पे है एंड यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो मैंने डेली पे ही लगा रखा है कि डेली ऑटो रिस्टार्ट हो, तो मेरे लिए बेटर है। तो अगर आप लोग ये सेटिंग्स अप्लाई करते हैं तो आप लोग को अपने फ़ोन में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन ऑन टाइम तो दिखाई दिया, 13 hours का मिलता है मेरे को डेली, जो कि मोर देन इनफ है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर गेम्स वगैरह भी खेल लेता हूँ उसमें 2-3 घंटे ईजी, पबजी वगैरह तो हैवी गेम्स होते हैं, आप लोग को पता है कितनी बैटरी ड्रेन होती है पबजी खेलते वक्त। 2 hours पबजी खेल के 11 hours का स्क्रीन टाइम मोर देन इनफ है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इन सभी सेटिंग्स को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't